और क्रिकेट जगत से आ रही है शानदार खबर। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। चौथी बार भारत ने ये खिताब जीता है। सबसे ज्यादा बार अंडर 19 में खिताब जीतने वाली ये टीम बन गई है भारत। भारत ने ये मुकाबला 8 विकेट से जीता है और मनजोत कालरा ने 101 गेंदों पर शतक लगा दिया है। इस मैच के फाइनल मैच के वो हीरो साबित हुए हैं। भारत के सामने 217 रनों का लक्ष्य था। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी शशांक इस पर चर्चा के लिए। शशांक, एक बार फिर भारत ने ये खिताब अपने नाम किया और ये बहुत बड़ी जीत है। ये रिकॉर्ड जीत तो है ही, जैसा कि आपने अभी बताया कि सबसे ज्यादा बार अब अंडर 19 विश्व कप जीतने वाला भारत बन चुका है। मनजोत के घर के ये सामने तस्वीरें हम शशांक देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या नजारा है। और ये जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये मनजोत कालरा के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। मनजोत कालरा वो खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शतक लगाया है और 2012 की यादें ताजा कर दी कहीं ना कहीं। 2012 में जब उन्मुक्त चंद बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी फाइनल मुकाबले में शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई थी और तीसरी बार तब भारत चैंपियन बना था। ये आज की तस्वीरें हैं जहां मनजोत कालरा जो फाइनल मैच के हीरो साबित हुए, फाइनल में शतक लगाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और चौथी बार वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन उन्होंने भारत को बनवाने में मदद की। और मनजोत कालरा ही नहीं, अगर हम देखें तो इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए हर एक खिलाड़ी जो इस टीम का हिस्सा है उसने अहम भूमिका निभाई है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके के जश्न के माहौल अब पूरे देश भर से उसका इंतजार है क्योंकि सुबह से ये बिल्डअप शुरू हो चुका था। मुंबई में हमने देखा पृथ्वी शॉ के घर के बाहर, यहां मनजोत कालरा के घर के बाहर शुभमन गिल जिन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया और पूरे सीजन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फर्स्ट क्लास में भी वो खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास में 60 से ज्यादा की औसत से रन बना रहे हैं। यहां पर उन्होंने लगातार 4 अर्धशतक से ज्यादा की पारियां खेली, आज भी उन्होंने 31 रन की पारी खेली। शुभमन गिल की बात करें, उसके अलावा जो तेज गेंदबाज हैं उनकी बात करें, शिवम मावी हैं, कमलेश नगर कोटी हैं, अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा उनका योगदान रहा है, हार्विक देसाई जिन्होंने आज 47 रन की पारी खेली और एक अच्छी साझेदारी निभाई मनजोत कालरा के साथ, वो उनकी बात करें, पृथ्वी शॉ जिनको कि नेक्स्ट बिग थिंग माना जाता है, 5 शतक लगा चुके हैं फर्स्ट क्लास मैचों में। और उसके बाद अब जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, ये देखिए आप किस तरीके से जो जश्न है, किस तरीके से लोग खुश हैं इस जीत से। और ये मुंबई से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोहित हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सोहित, हम इससे पहले बात कर रहे थे इनिंग्स ब्रेक में किस तरीके से भारतीय टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, 217 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन इतनी आसान जीत कि 39वें ओवर में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर दी और महज 2 विकेट आउट हुए, 8 विकेट से जीत दर्ज की। किस तरीके का माहौल है, लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस तरीके से जश्न मनाना चाहेंगे आज वो? बिल्कुल, अगर आप मुंबई की बात करें तो जहां पर मैं मौजूद हूं पृथ्वी शॉ के घर के बाहर, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो जश्न का माहौल है, लगातार आतिशबाजी हो रही है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर रैली निकाली जा रही है। यहां पर आपको कई लोग भी यहां पर दिखाई देंगे जो कि हर जगह पर खड़े हैं, बच्चे हो, हमने कई लोगों से बात भी की तो कई बच्चे हमसे मिले जिन्होंने हमसे कहा कि उनके लिए ये किसी रोल मॉडल से कम नहीं। अगर अभी भी आप देखें तो यहाँ पे लोग जो है जमा है और हम कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। भारत जीत गई है, आपके आसपास के जो है वो जो कैप्टन थे उन्होंने जिताया है, कैसा लग रहा है आप लोग? हम लोग को बहुत खुश लग रहा है। हम लोग इधर इंडिया कप से स्कूल में भी चिल्ला रहे थे, हम लोग को ऐसा मौका मिले कि हम लोग भी खेले टीम इंडिया के लिए। एंड पृथ्वी शॉ इज अ ग्रेट।